फ्रायड ने कुछ और गतिमान ऊर्जाओं, चिंताओं और डिफेंस मैकेनिज्म्स की भी बात की। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फ्रायड ने कौन से दो तरह के मूल प्रवृत्तियों की भी बात की। तो दो तरह की मूल प्रवृत्तियां हैं, एक तो है इरोस और दूसरा है थैनाटोस, है ना। इरोस का मतलब जो जीवन के लिए जीवन बना रहे, ठीक है ना, और जीवन में सुख मिले उससे संबंधित प्रवृत्ति, ठीक है ना, जीवन बना रहे, सर्वाइवल, लाइफ का कंटिन्यू रहे, इसके लिए जो प्रवृत्ति होती है वह होती है मूल प्रवृत्ति। कौन सी होती है? इरोस। और दूसरी होती है थैनाटोस। फ्रायड बड़ी गजब की बात कहते हैं कि एक हमारे अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, दूसरों को परेशान करने की या अपने को परेशान करने की भी प्रवृत्ति होती है। बड़ी गजब की बात है। थैनाटोस, थैनाटोस, अपने जीवन को नष्ट करने की या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, अपने जीवन को नुकसान करने की या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, इसको हम बोलते हैं थैनाटोस, विनाशी प्रवृत्ति। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी गजब की बात है। अगर आप अपने यहाँ भी देखें, हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, उनमें भी बात होती है, चाहे वो हिंदुइज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो मुस्लिम से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, जितने भी ग्रंथ हैं सब में बात होती है कि एक है डेविल और दूसरा है गॉड, एक है शैतान दूसरा है खुदा, एक है भगवान या देवता और दूसरा है राक्षस या दैत्य, जो हमारे अंदर होते हैं और जिसकी याद में हम लोग, दशहरा अभी आने जा रहा है, तो उसमें हम लोग ये मानते हैं कि भाई दशहरा मना करके हम रावण की जो प्रतिमा होती है उसको जला करके ये सोचते हैं कि अपनी अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को हम समाप्त करेंगे। हालांकि उसके बाद में और ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्तियां आजकल होती हैं, दशहरा के अवसर पर लोग जम के शराब पीते हैं और भी बहुत सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां करते हैं और नुकसान करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, स्पष्ट हो गया। फिर